हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय किशोर कृष्णा। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नंद किशोर क्रिएटिविटी। एंड देखिए, आज हमने 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ये बहुत प्यारी सी ड्रेस बनाई है। ये देखिए, नज़दीक से मैं दिखा दूं, और बहुत बड़ी है ये ड्रेस, काफ़ी बड़ा इसका घेरा है। ये देखिए, ये हमारा 11.5 इंच हमारा बन रहा है, 11.5। ये हमारा घेरा है। आप इसको छोटा करना चाहो तो छोटा भी बना सकते हो, बड़ा करना चाहो तो बड़ा भी बना सकते हो। छोटा करना है तो यहाँ से आप घेर कम कर लीजिए, राउंड कम कर लीजिए, उसके बाद अपना डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करिए। और जब बड़ा बनाना है और तो एक राउंड और कर लीजिए यहाँ पे, उसके बाद अपना स्टार्ट कीजिए। तो अगर आपको ड्रेस पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। कमेंट्स करके हमें बताना कैसी लगी है वीडियो। तो चलिए करते हैं इसको बनाना स्टार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 प्लाई की वूल ली हुई है। ये दोनों कलर में मैं ड्रेस बनाऊँगी। 3 प्लाई की वूल है ये, बहुत सॉफ्ट है, बेबी वूल है ये वाली, देखो ठीक है। और इनके लिए मैंने यहाँ पे 10 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। एमएम में देखिए तो ये 3.25 mm है, ठीक है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस कलर से मैं चैन बनाऊंगी। और 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ये हम ड्रेस बना रहे हैं, तो यहाँ पे उनके लिए हम ऐसे, ये देखिए नॉट लगा दी है मैंने। अब यहाँ पर सबसे पहले हम चैन बनाएँगे, 1, 2, 3, 4 इस तरह से करके चैन बनानी है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये देखो 19 हो गई हैं। और 19 को मैंने फिंगर में दबा लिया है। उसके बाद 1, 2, 3, ठीक है, यानी 20, 21, 22 यहाँ पे टोटल चैन ली है। और यहाँ पे ये वाली 3 चैन स्किप करके जो हमने फिंगर में दबा रखी है, 19th चैन, उसके अंदर हमें ऐसे डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये देखिए, 19 चैन में मैंने डबल क्रोशिया बनाया है ना, और सभी इधर 19th में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और एक ये वाली जो 3 की चैन स्किप की है इसको भी डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो सभी में हमें यहाँ पे एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है, टोटल हमारे 20 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये देखो इस तरह से नेक्स्ट चैन में बनाएंगे, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, उसके बाद नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, इस तरह से करके हमें सभी चैन में, हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी में एक एक बार डबल क्रोशिया बना दिया है, टोटल हमारे पास 20 डबल क्रोशिया बनकर आए हैं। अब हम यहाँ पे वाइट कलर लगाएंगे। ऐसे यहाँ पे हमें वाइट कलर लगा लेना है। इस तरह से देखो, इसमें ऐसे हमने ऐड कर लिया, और इसको पिंक वाले को ऐसे खींच देंगे थोड़ा, और जो ये यहाँ पे बचा हुआ है ना एक्स्ट्रा, इसको भी हम यहाँ दबा लेंगे, ठीक है, ऐसे इसके ऊपर से निकाल लेंगे। और अब यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3, वर्क को टर्न करेंगे अपनी, ये देखो, और यहाँ पे इनको दबाकर चलेंगे। अब यहाँ पे हमें सेम चैन, वो यहाँ पर पास वाली ही चैन में, बिल्कुल पास में जो चैन है हमारी, उसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट वाली चैन में बनाएंगे,
और नेक्स्ट चैन में हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखो एक डबल क्रोशिया और एक बार और सेम चैन में बनाएंगे दो डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे इसको मैं छोड़ दूँगी। अब नेक्स्ट में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और एक बार और सेम चैन में बनाएंगे दो डबल क्रोशिया। मतलब हमें यहाँ पे हर एक चैन में दो दो बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखो एक बनाया और नेक्स्ट में ही एक बार और बनाया तो ये हमारे दो बन गए। फिर यहाँ पे एक बनाया एक बार और बनाया तो ये हमारे दो हो गए। इसी तरह से हमें सेकंड राउंड कंप्लीट करना है, हर एक चैन में दो दो बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सेकंड राउंड कंप्लीट कर दिया है और ये देखिए पिंक कलर मैंने यहाँ से कट कर दिया है। अब हम अपना थर्ड राउंड बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3 3 चैन बनाई, वर्क को टर्न किया, पास वाले चैन में ही एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये दो हो गए हैं। अब नेक्स्ट में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में भी बनाएंगे एक बार डबल क्रोशिया और थर्ड चैन में हम यहाँ पे दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये एक और ये दो। ठीक है, नेक्स्ट में एक, उससे नेक्स्ट एक और अब थर्ड में दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये थर्ड चैन है, एक एक बार और सेम चैन में तो ये हमारे दो हो गए। अब उससे नेक्स्ट में एक, उससे नेक्स्ट में भी एक और यहाँ थर्ड चैन में हम बनाएंगे दो डबल क्रोशिया। तो ये एक डबल क्रोशिया और सेम चैन में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमें थर्ड राउंड कंप्लीट करना है। ये देखो यहाँ पे हमारे पास 20 डबल क्रोशिया थे, यहाँ पे दो दो बार बनाए हैं हर एक चैन में, तो यहाँ पे हमारे पास 38 डबल क्रोशिया बनकर आए हैं। अब थर्ड राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया है और अब हमारे पास ये टोटल 51 डबल क्रोशिया आए हैं। अब यहाँ पर हम आर्म होल छोड़ेंगे इस तरह से, देखो। तो कुछ हमें फ्रंट में रखने हैं, कुछ बैक में और यहाँ पे हमें बाजू के रखने हैं। तो ये हमारे पास 51 है, 51 को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, फ्रंट बैक और बाजू। तो यहाँ पे हमारे 17 17 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये थर्ड राउंड कंप्लीट है। अब देखो यहाँ पे करते हैं हम 17 17 करने, तो 17 इधर हो जाएंगे और यहाँ पे हम जैसे 8 और 9 ले सकते हैं, 9 बाजू के, इसी तरह 8 यहाँ पे और 9 यहाँ पे बाजू के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 2 3 3 की मैंने चैन बना ली, वर्क को टर्न किया, इसको काउंट करेंगे और यहीं पे पास में बनाएंगे एक, तो ये दो डबल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट में बनाएंगे, ये 3 हो गए हैं, 4 5 6 7 और ये 8। तो देखो 8 डबल क्रोशिया मैंने बना दिए हैं। अब 9 चैन हम यहाँ पे स्किप करेंगे, है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दसवीं चैन में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, 10th चैन में। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा आर्म होल हो गया है ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे 9 चैन हमने 9 चैन स्किप किए और 10th में हमने डबल क्रोशिया बनाया है। अब इसको काउंट करके यहाँ पे टोटल 17 बनाएंगे। देखो 1 नेक्स्ट चैन में बनाएंगे, 2
थ्री। अब उससे नेक्स्ट बनाएंगे फोर फाइव, सभी में एक एक बनाना है। सिक्स सिक्स, एक ये सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन और एक ये सेवनटीन। सेवनटीन हमारे हो गए हैं टोटल। अब यहाँ पे फिर से हमें नाइन चैन स्किप करनी है। देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, और टेंथ में हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। हो गया, अब ये वन हो गया, इसको मिला के एट बनाने हैं। तो ये टू, अब ये थ्री, फोर फाइव सिक्स सेवन और लास्ट ये एट। तो इस तरह से ये हमारे ये देखिए चोली बन गई है। अब बस यहाँ पे हम एक राउंड और कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल। हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है, तो चलिए बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चोली कंप्लीट हो गई है। ये देखिए इसके बाद मैंने दो राउंड और बनाए हैं, और यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर दिया है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने बाजू में भी आउटलाइन बना दी है ना, किनारी मैंने बना दी है पिंक कलर से। अब देखो, अब हमारा यहाँ से घेरा स्टार्ट होएगा, घेर बनाएंगे हम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से हम सेंटर से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, हम इसको स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ तक आएंगे, यानी कि आर्म होल तक। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्लिप स्टिच कैसे करना है, इस तरह से इसमें डाला ऐसे, और ये हमने स्लिप स्टिच कर दिया। ऐसे करते हुए हमें आर्म होल के पास तक आना है। ये देखो, तो यहाँ तक मैं आ गई हूँ। अब यहाँ से हम अपना घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वन टू थ्री, थ्री मैंने चैन बनाई, और पास वाली चैन में ही यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया, और सेम चैन में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए। अब उससे नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया, और सेम चैन में ही एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक चैन में दो बार डबल क्रोशिया बना रहे हैं। तो इसी तरह से हमें अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट करना है। ये देखिए हर एक चैन में दो दो बार डबल क्रोशिया बनाकर हमें घेरे का फर्स्ट राउंड कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह से हमने अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर दिया है, हर एक चैन में दो दो बार डबल क्रोशिया बनाकर। अब जो ये मैंने थ्री चैन बनाई थी, उसकी थर्ड चैन में हम इसको राउंड को स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। ठीक है, ये देखो, अब यहाँ पे फिर से हम सेकंड राउंड के लिए थ्री चैन बनाएंगे। एक हो गई, एक यहाँ पास में ही बनाएंगे, ये दो चैन दो हो गए हैं डबल क्रोशिया। अब हम देखो एक चैन बनाएंगे, सेकंड राउंड कैसे करना है हमें।
दो डबल क्रोशिया बनाए, एक चैन बनाई ऊपर से और नीचे से एक चैन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखो एक डबल क्रोशिया, अब उससे नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे। ये देखो तो ये हमने दो डबल क्रोशिया बनाए हैं, एक चैन में एक डबल क्रोशिया, एक चैन में एक डबल क्रोशिया। उसके बाद एक चैन लेनी है, नीचे एक चैन स्किप करनी है और नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर से एक चैन, एक स्किप और एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशिया, यानी कि एक एक डबल क्रोशिया एक चैन में करना है और एक चैन हमें इस तरह से स्किप करनी है। ठीक है, एक चैन ऊपर लेंगे और नीचे से एक चैन स्किप करेंगे। ये देखो एक, नेक्स्ट में भी एक। तो देखो कैसे करना है हमें सेकंड राउंड। यहाँ पे सबसे पहले थ्री की चैन ली, एक पास वाली चैन में बनाया, ऊपर एक चैन ली, नीचे से एक स्किप की, फिर एक चैन में एक डबल क्रोशिया, एक चैन में एक डबल क्रोशिया, ऊपर एक चैन बनाई, नीचे एक चैन स्किप की, फिर एक चैन में एक, एक चैन में एक, दो डबल क्रोशिया इस तरह से बना के एक चैन लेनी है, एक स्किप करनी है और अपना सेकंड राउंड कंप्लीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मेरा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है, सभी में मैंने बना लिया है। अब यहाँ थर्ड चैन में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखो स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया है। अब थर्ड राउंड बनाएंगे तो उसके लिए वन टू थ्री, थ्री मैंने चैन बनाई, इसको एक डबल क्रोशिया काउंट करते हैं और यहाँ पास वाली चैन में हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखो एक और एक और दो, तो ये टोटल मेरे तीन डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब फिर से हमें एक चैन लेनी है, यहाँ पे देखो एक चैन जैसे ये ली थी, चैन के ऊपर चैन बनाएंगे और ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर, इसके ऊपर चैन में से लेकर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखो एक हो गया। अब जो ये वाली चैन है इसके अंदर हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये एक और एक और बनाएंगे, तो ये दो हो गए। ठीक है, तो देखो टोटल यहाँ पे तीन हो गए और बीच में एक चैन, यहाँ पे भी तीन है, एक चैन और तीन डबल क्रोशिया। फिर से एक चैन लेंगे और यहाँ डबल क्रोशिया के ऊपर है ना, ऊपर चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। ये देखो एक हो गया। अब पास वाली चैन में यहाँ पे हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक और, तो ये हमारे दो हो गए, तीन हो गए। फिर से एक चैन और इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया और पास वाली चैन में दो डबल क्रोशिया, एक और बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये देखो दो के ऊपर तीन हो जाएंगे। ठीक है, चैन के ऊपर चैन बनानी है। ये देखो जैसे ये चैन है, चैन बनाएंगे, हर राउंड में चैन चलती रहेगी और जैसे यहाँ पे दो हुए हैं, यहाँ तीन हुए हैं, नेक्स्ट राउंड में चार बनाएंगे, फिर पाँच, फिर छः। इस तरह से हम ये सेंटर वाले क्रोशिया बढ़ाते चले जाएंगे और ये चैन के ऊपर चैन हमें ऐसे ही बनानी है। तो मैं राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। ये देखिए पहले दो थे यहाँ पे, फिर तीन हो गए। अब देखो ये हमारा राउंड जब कंप्लीट हो गया है, हमें क्या करना है, इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। वन टू थ्री, थर्ड चैन में हम इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर देंगे और नेक्स्ट राउंड में अब हमें क्या करना है, ये दो थे ये तीन, अब हमें चार बनाने हैं। वन टू थ्री, इसको एक काउंट करेंगे, पास वाली चैन में एक बार और बनाएंगे एक क्रोशिया, तो ये दो हो गए। अब ये लास्ट वाली में हम दो बार बनाएंगे, तो देखो एक और एक बार और यहीं पे बनाएंगे, तो ये हमारे हो गए चार डबल क्रोशिया। ठीक है, एक दो तीन और एक ये चार, फिर से एक चैन बनाएंगे और अब यहाँ पे फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे।
ऐसे, ये एक हो गया। उससे नेक्स्ट एक बना दिया, देखो एक बनाया, एक नेक्स्ट में बनाया। अब इस लास्ट वाले में हम दो बार बना देंगे, एक और एक बार और, तो ये हमारा दो बार हो गया। ठीक है, टोटल हमारा चार हो गया, यहाँ पे दो तीन और ये चार। एक चैन बनाई, एक चैन, और फिर से यहाँ पे ऐसे ही तीन के ऊपर चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक नेक्स्ट वाले में, एक और उससे नेक्स्ट वाले में दो। एक बनाया, एक बार और बनाया, तो ये दो हो गए। फिर एक चैन बनाई, फिर तीन डबल क्रोशिया के ऊपर हमें चार डबल क्रोशिया बनाने हैं, तो ये देखो एक और एक और सेम यहीं पे बनाएंगे, तो ये हमारे चार हो गए। ये देखिए इस तरह से हमें राउंड को कंप्लीट करना है, दिख रहा है ना, ये दो ये तीन ये चार, दो तीन चार, दो तीन चार, नेक्स्ट में फिर पाँच, फिर छः, फिर सात, ऐसे ही हमें राउंड को बढ़ाते जाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना मैंने सर्कल बना दिया है, और देखिए कितना प्यारा ये हमारा घेर बना हुआ है, बिल्कुल भी इसमें झोल नहीं है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे टोटल हमारे, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये 1 2 3 4 5 5 ये हो चुके हैं हमारे। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ये वाला राउंड जिसमें हमने हर एक में दो दो डबल क्रोशिया बनाए थे, फर्स्ट और एक ये, एक दो तीन चार पाँच, टोटल पांच राउंड मैं यहाँ पे बना चुकी हूँ घेरे के। अब यहाँ पे मैं पिंक कलर लगाऊंगी ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम पिंक कलर लगाएंगे, इसमें ऐड करेंगे, तो देखिए कैसे जॉइंट करना है हमें। ये मैं एक चैन यहाँ पे बना चुकी हूँ वाइट की, और यहाँ थर्ड चैन में हम स्लिप स्टिच से जॉइंट करते हैं ना, तो यहाँ पे हम थर्ड चैन में डालेंगे ऐसे, और ये इसमें और इसमें, दोनों में से ऐसे निकाल लेंगे और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कलर जॉइंट हो गया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, थ्री की चैन लेनी है, एक ये हो गई, एक ये दो और एक ये तीन। ठीक है, अब पास वाली चैन में ही एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये देखिए पास वाली चैन में एक बार और डबल क्रोशिया बना दिया। इसको यहाँ पे दबा के रखेंगे थ्रेड को, नेक्स्ट चैन में एक बार डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट ये देखो एक बार डबल क्रोशिया, यहाँ पे भी एक बार डबल क्रोशिया, तो सभी में पांच के ऊपर पांच हमें डबल क्रोशिया बना लेने हैं एक एक, है ना। ये देखो एक थ्री की चैन बनाई थी, उसके बाद एक ये, दो तीन चार पाँच। अब यहाँ पे ये जो चैन है इसके अंदर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखो एक, एक बार और बनाएंगे यहीं पे, तो ये हो गया हमारा दो। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट एक डबल क्रोशिया, इसमें भी एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया। अब देखिए फिर से हमारी ये वाली चैन आ गई है, तो इसमें हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक और बनाएंगे यहीं पे, तो ये हमारे हो गया दो डबल क्रोशिया। ठीक है, और इसी तरह से अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है पिंक कलर से, और देखिए बहुत ही प्यारा ये लग रहा है। अब सेकंड राउंड हम बनाएंगे, इससे नेक्स्ट जो हम बनाएंगे उसमें हम फिर से वाइट कलर अपना लगाएंगे। ये देखिए कैसे जॉइंट करेंगे, ये हमारे इसमें है, और ये थर्ड चैन में ऐसे निकाल कर दोनों को जॉइंट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और फिर से यहाँ देखो 1 2 3
थ्री मैंने चैन बनाई, इसको एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, पांच वाली चैन में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे तो दो हो गए। नेक्स्ट तीन, उससे नेक्स्ट में चार, नेक्स्ट चैन में पांच, तो ये हमारे पांच डबल क्रोशिया हो गए। देखो एक थ्री की चैन, दो तीन चार पांच, अब एक दो तीन चार, चार चैन बनाएंगे और यहाँ से वन टू थ्री, थ्री स्किप करके फोर्थ चैन में, चौथे चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट एक डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, ऐसे करके हमारे पांच डबल क्रोशिया हो गए। एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार, चार चैन ली और यहाँ पे तीन चैन स्किप करेंगे, एक दो तीन, चौथे चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, चौथे चैन में एक डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट एक, नेक्स्ट चैन में भी एक, नेक्स्ट चैन में एक और उससे नेक्स्ट एक, तो इस तरह से हमारे पांच हो गए हैं ये। फिर से एक दो तीन चार, चार चैन लेंगे और एक दो तीन चार, चौथी चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, उससे नेक्स्ट में एक, तो इस तरह से करके ये देखिए पांच डबल क्रोशिया, चार चैन, तीन स्किप करेंगे चौथे चैन में बनाएंगे, फिर पांच डबल क्रोशिया, चार चैन, तीन स्किप करेंगे, फिर पांच, फिर चार चैन, तीन स्किप करके चौथे चैन में बनाएंगे, इस तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है, ये देखिए अब हमें क्या करना है। ये देखो यहाँ पे मैंने चार चैन भी बना रखी है, अब इसको ऐसे ही यहाँ बीच में थर्ड चैन में स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे, इस तरह से हो गया। अब देखो ये फाइव डबल क्रोशिया है ना, हमें यहाँ पे आना है, एक हो गया, ये हो गया और इसके ऊपर लाना है हमें, तो ये मैंने यहाँ पे यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है ऐसे, ठीक है। थर्ड क्रोशिया के ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, उसके बाद हमें, हमने जो ये चार चैन बनाई है इसमें हम अपना वर्क करेंगे। कैसे करना है ये देखो, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और ये लास्ट दस, ठीक है, दस डबल क्रोशिया बनाए मैंने। और फिर से हमें ये सेंटर वाला जो डबल क्रोशिया है ना, ये सेंटर में, तो इसके ऊपर हमें यहाँ पे ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। अब इस वाले में ये जो चार चैन है इनमें फिर से हमें दस बार डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और ये दस, ठीक है। ये देखो दस बार हमारे डबल क्रोशिया हो गए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से ये सेंटर वाला है जो, इसके ऊपर ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाना है, सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें फिर से दस बार डबल क्रोशिया बनाने हैं, तो इस तरह से करके हम अपना ये राउंड कंप्लीट करेंगे। पांच में से बीच वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया और इसके अंदर दस डबल क्रोशिया, पांच में से बीच वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया यानी थर्ड वाले के ऊपर और बीच में दस दस बार डबल क्रोशिया हमें बना के राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब देखिए
यहाँ हम लास्ट में आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे 10 मैंने डबल क्रोशिया बना दिए हैं। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया जो बनाया था 5 के सेंटर में, यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। ये देखो ये मैंने स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया है। अब हमें यहाँ पे पिंक कलर लगाना है वापस से, तो इसको हम ऐसे मैंने ऐड किया, इसको यहाँ पे दबा लेंगे, ज़ोर से खींच लेंगे थोड़ा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये देखो 1 2 3 तीन बार हमें क्रोशिया में लेने हैं, टोटल 4 है, 1 ये वाला, 2 3 4, ठीक है। और जो फर्स्ट जो हमने डबल क्रोशिया बना रखा है, ये सबसे पहले का जो ये हमारा है, इसके अंदर हमें ऐसे नीचे से लाना है, जिस चैन में ये बना हुआ है ना, उसी चैन में हमें अपना वर्क करना है। यहाँ देखो हमें नीचे से लेना है ऐसे, और यहाँ पे हमें बनाना है। ये देखो 2 निकालेंगे एक बार में, फिर एक बार में 2 निकाला, फिर एक बार में 2 निकाला, और अब ये लास्ट वाले निकाल दिए, ठीक है, ऐसे ऐसे आ जाएगा हमारा। फिर से हमें क्या करना है, 1 2 3 तीन लिए, टोटल तो 4 है इसको मिला के, ठीक है। अब जो ये लास्ट वाला है, 5th वाला, इसको हम फ्रंट से ही ले लेंगे ऐसे, जिस चैन में ये बना हुआ है उस चैन में लेना है, ठीक है। ये हमने 2 निकाले, सॉरी दोबारा से करते हैं ऐसे, ये देखो ये 2 निकाले, फिर से 2 निकाले, फिर 2, और फिर से ये 2 लास्ट वाले, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा शेप बन गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो एक चैन ली, उसके बाद जो ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, ये 10 डबल क्रोशिया जो हमने बना रखे हैं ना, फर्स्ट जो डबल क्रोशिया है, इसके यहाँ पे चैन में हम बनाएंगे ऐसे। ये हमने बना दिया डबल क्रोशिया, उसके बाद एक चैन लेंगे और नेक्स्ट चैन में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, ये देखो, ठीक है। फिर से हम एक चैन लेंगे और नेक्स्ट चैन में बनाएंगे डबल क्रोशिया, इसी तरह से एक चैन लेते हुए, ये देखो एक चैन, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया, एक चैन, नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया, फिर से एक चैन, नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया, एक चैन और नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया, एक चैन, और ये देखो लास्ट का हमारा आ चुका है, नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर से ये जो सिंगल क्रोशिया, देखो ये सिंगल बनाया था ना हमने 5 के ऊपर, यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है, स्लिप स्टिच होता है ऐसे निकाल देते हैं, ठीक है। 1 2 3, अब फिर से हम ऐसे बनाएंगे, ये 3 बनाए ऐसे, टोटल 4 होने चाहिए क्रोशिया के ऊपर। और ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है, 5 में से जो फर्स्ट है, यहाँ पे हम नीचे से डालेंगे ऐसे, 2 निकाले, फिर 2 निकाले, फिर 2 निकाले, और लास्ट में फिर से 2 निकाले, ठीक है। 1 2 3 फिर से करना है। और अब इस वाले में 5th वाला जो हमारा था, इधर से लास्ट यानी इसमें ऊपर से ही डाल देंगे ऐसे करके, ये 2 निकाले, 2 निकाले, 2 निकाले, और लास्ट के 2 निकाले, ठीक है। अब एक चैन बनाएंगे यहाँ पे, और ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है, ये 10 डबल क्रोशिया, इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर यहाँ नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया। ऊपर हमें चैन लेनी है लेकिन नीचे चैन स्किप नहीं करनी, है ना, ऊपर चैन ले रहे हैं, यहाँ पे स्किप नहीं करनी, यहाँ पे हर एक चैन में हमें
डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखो इस तरह से एक चैन, नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया, एक चैन, नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया, ठीक है। तो इस तरह से करते हुए हमें अपना डिज़ाइन बनाना है और पूरा राउंड हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट राउंड भी कंप्लीट हो गया है। और देखिए अभी मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच नहीं किया है, तो ये लास्ट में आकर जैसे हमने स्टार्ट किया था जहाँ से, ये देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना, तो इसके हमें यहीं पे इसमें हमें डाल के सेंटर में डाल के और यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच कर देना है। बस स्लिप स्टिच करके एक यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे और अब इसको हम वूल को यहाँ से कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ड्रेस जो है कंप्लीट हो गई है और बहुत प्यारी लग रही है हमारी ये वाली ड्रेस। 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए हमने बनाई है। आप किसी भी साइज में इसको बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ये देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना।